माँ विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय बुद्धाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर वंशाकर कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं हिज ग्रेस सांबा दास प्रभु जी एंड हर ग्रेस निताई सेन माता जी तथा हर हिज ग्रेस राम रतन प्रभु जी एंड हर ग्रेस माधव मोहिनी माता जी और हिज ग्रेस मुरलीवर्धन प्रभु जी एंड हर ग्रेस प्रीति कुमारी माता जी, इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपना जो जपा टॉक है वो बोलने का प्रयास करूंगा। आज का जो जपा टॉक है वो हिज ग्रेस सचिनंदन प्रभु जी के एक लेक्चर का पार्ट है जिसको मैं बोलूंगा, तो इसमें कुछ भी त्रुटि हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। हर एक व्यक्ति को जो है वो मृत्यु को फेस करना ही पड़ता है, और जो मृत्यु जब व्यक्ति फेस करता है तो उस मृत्यु के पश्चात जो व्यक्ति के चार प्रकार के भय हैं, तो उसमें से सबसे पहला जो भय है वो है विश्लेषज भय। विश्लेषज भय मतलब जब यमदूत जो है किसी पापी व्यक्ति को अपने यमपास से जब उसके शरीर को आत्मा से अलग करते हैं तो उसका उदान वायु जो है वो उसका ऊपर की तरफ से निकलता है। जब सूक्ष्म स्थूल शरीर, हमारा जो स्थूल शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। जब ये स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से अलग करते हैं तो जो व्यक्ति को जो है बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से कोई मूर्ख व्यक्ति जो है कोई अनमोल चीज को एक बहुत अच्छे पैकेज में बंद किया हुआ है और उसी वो अच्छे पैकेट को जो है वही उसी को मूर्ख व्यक्ति जो है वो अनमोल चीज समझ लेता है, उसी तरह से जो है मूर्ख व्यक्ति जो है वो इस शरीर रूपी जो पंच महाभूतों से जो बना शरीर है उसी को जो है आत्मा समझ लेता है और उसी को तथा उसी वैसे ही कार्य करता रहता है। यह सारा जो है मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होता है, और इसी मिथ्या अहंकार से जो है वो भय उत्पन्न होता है। जब महाराज युधिष्ठिर से यक्ष जी प्रश्न पूछते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तब जो महाराज युधिष्ठिर बताते हैं कि अहति अति गच्छन्ति भूतानि यम मंदिरम, मतलब इस जो दुनिया में जो है हर एक व्यक्ति मर रहा है, ये सारे चीज जो है वो देख रहे हैं, फिर भी जो है शेष स्थापुन न इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतपरम, मतलब जो बचे हुए हैं वो जो बचे हुए हैं वो सारा सब जो सब चीज देख रहे हैं कि हमारे सामने ही बहुत सारे जीव मर रहे हैं, फिर भी जो है उसमें कई सारे जीव शामिल हैं एक चींटी से लेके बड़े हाथी तक, फिर भी जो है हम इस संसार में इतने लिप्त है कि हम जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें आज ये करना है ऐसा करना है, बच्चे की शादी करना है, मकान बांधना है, यह सारा चीज जो है वो हमारे शरीर के प्रति आसक्ति की वजह से होता है और इसी को देह भाव बोलते हैं। और इसी देह भाव की वजह से जो है व्यक्ति को मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब जन्म मृत्यु के फेरे में अटकना पड़ता है। दूसरा जो प्रकार का भय है वो है मोहज भय, मतलब जो है अपने परिजन अपने पत्नी पति उनके प्रति आसक्ति का भय, उनको छोड़ने का भय, और मरते समय हर एक व्यक्ति को जो है इस जो भय का सामना करना पड़ता है कि मेरे मरने के बाद में इन सब लोगों का क्या होगा, मेरे जो संपत्ति कमाई है मेरे जो बीवी है बच्चे हैं उन सब का क्या होगा। ये सारा जो चीज जो है इसके हमें इतने गाढ़े संस्कार होते हैं कि सालों सालों तक ये सब मिटते नहीं है, क्योंकि हमने सालों सालों तक जो है इन लोगों के साथ में जो समय बिताया है वो सब यादें जो है वो मृत्यु के समय में हमारे साथ में आती है, और जिनके साथ में हमने रह के इतने सालों तक बहुत भोग किया है उनकी हमें याद आती है, और बहुत आसक्ति से हम युक्त होकर जो है उनको बुला पुकारते हैं कि जब मृत्यु का समय आता है हम किसी और को क्यों नहीं बुलाते, उन्हीं को क्यों बुलाते, अपने रिश्तेदारों को क्यों बुलाते, क्योंकि हमें उनके साथ में मोह है, और यह मोह क्या चीज है
हमें जो ये शरीर रूपी मिला हुआ है उसको ही उसी को चिन्ह चिन्ह मान लेना, अनित्य को नित्य मान लेना, अशुद्ध को शुद्ध मान लेना तथा दुखदायी को सुखदायी मान लेना। इसी मोह से जो है वो भय उत्पन्न होता है, और जिसका अधिक विस्तार होता है उसको उतना ज्यादा मोह होता है। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल कोई व्यापारी है जिसने पूरी जिंदगी भर पैसा कमाया है और अपना व्यापार का विस्तार किया है, तो उसको जो है सबसे अधिक भय उत्पन्न होगा, क्योंकि जब वो अपने व्यापार के प्रति आसक्त है, जब वो मृत्यु छोड़ना चाहेगा तब तो वो सोचेगा कि मैंने मेरे मरने के बाद में ये सब संपत्ति में अच्छे से बंटवारा होगा नहीं होगा, मैं अपने पत्नी मैं मेरी पत्नी तथा मेरे बच्चे जो है वो आपस में मेरी संपत्ति के लिए झगड़ा ना करें, यह सब चीजें जो सोचकर जो है वो पैसे भयभीत होता है। तीसरा जो भय है वो है अनुताप भय। पूरे जीवन में संपत्ति कमाने के बाद में जो है व्यक्ति को पता चलता है कि वास्तव में उसने जो करना चाहिए था वो तो उसने किया ही नहीं, और जब जो चीज नहीं करना चाहिए था वही किया। पूरी जीवन भर एक 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 रुपया कमा करके उसने वो अपना संपत्ति खड़ा करता है, और जब वो संपत्ति जो है वो अपने बेटे को हैंड ओवर करता है तथा उसकी जो पत्नी है उसको जब घर से बाहर निकाल दिया तो उसको पश्चाताप होता है कि जो वास्तव में मैंने करना चाहिए था वो तो मैंने किया ही नहीं, अगर मैं काश भगवान का नाम ले लेता तो जो है मेरा बेड़ा पार हो जाता। चौथा जो प्रकार का भय है वो आगामी संकर्ष भय। जो पापी व्यक्ति है, पापी व्यक्ति अब कभी भी जो है वो यमराज के दंड से नहीं बच सकता है, तो इस संसार में कई बार लाते खाने के बाद में जो है व्यक्ति को रियलाइज होता है कि उसके उसे जो वास्तव में करना चाहिए था उसे तो वो उस चीज को तो वो भूल ही गया। जिस तरह से एक जो गधा है वो अपनी वासना के कारण जो है कई बार लात खाकर भी जो है भोग वृत्ति में आसक्त रहता है, उसी तरह से जो है पापी व्यक्ति जो है संसार में कई जगह लात खाकर कई जगह भोग वृत्ति कर कर जो है वो यमराज के दंड को पाता है। गरुड़ पुराण में वास्तविक में 28 प्रकार के नरक लिखे हुए हैं और उसमें कई सारी यातनाएं लिखी हुई हैं, और इन सब यातनाओं से गुजरने के बाद में जो है व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भगवान का नाम ले लेता तो आज ये नौबत नहीं आती, और फिर उसी को नरक यातना के बाद में फिर वही 84 लक्ष योनि से गुजरना पड़ता है। वास्तव में जब परीक्षित महाराज को पता है, परीक्षित महाराज जी को पता था कि हमारे उनकी मृत्यु के कम से कम 7 दिन बचे हैं, खटवांग महाराज को पता था कि उनके कुछ समय ही कुछ क्षण ही बचे हुए, लेकिन वास्तव में हमको नहीं पता है कि हमें हमारे पास में कितना समय है। और जब यह सारा चीज जो है हम इस शरीर के प्रति इतने आसक्त हैं कि यह सब जो है वो मिथ्या अहंकार ही कहलाता है, जब हम मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाएंगे तब हम अपने शरीर के प्रति अनासक्त हो जाएंगे। और जो वरिष्ठ वैष्णव है, जो बड़े बड़े वैष्णव है, उनको अपने शरीर त्यागने का समय जो है वो पता रहता है। जिस तरह से श्री प्रभुपाद जी जब उनको शरीर त्यागना था तो उन्होंने स्वयं कह दिया कि जो है मेरा खाना पीना बंद कर दो, और अन्न जल का जो है वो स्वयं से त्याग करना चाहते थे। और वैसे ही राजा परीक्षित को जब मृत्यु का पता चला कि उनके 7 दिन ही बचे हैं तो वो अपना अन्न जल त्याग कर देते हैं, और छठ गोस्वामी भी जब अपने संपत्ति का त्याग कर देते हैं। तो जब श्री प्रभुपाद जी यह कह देते हैं कि मेरा अन्न पानी बंद कर दो तो सारे भक्त जो है वो रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि प्रभुपाद जी हम तो अभी अभी बच्चे हैं और आपके जाने के बाद में हमारा मार्गदर्शन क्यों करेगा। और तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चलो ठीक है आप भोजन बनाना स्टार्ट कीजिए, और फिर प्रभुपाद जी जो है भोजन ग्रहण करते हैं और फिर जो है काफी समय तक रहते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं, और हम आज देख सकते हैं कि जो इस्कॉन है वो इन्हीं की बदौलत है, और इस्कॉन का प्रचार प्रसार जो है वो काफी पूरे विश्व में हो रहा है। वास्तव में मेरी कोई योग्यता नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी मैंने, लेकिन वास्तव में जो मुझे कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मैं आप सब भक्तों से जो है
याचना करता हूँ कि कृपया मुझे जो है मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं भक्ति भक्ति में प्रगति कर सकूँ। हरे कृष्ण।